नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन हमें पूछा है सुजाता जी ने, और ये पूछते हैं कि मुझे पानी कब रिप्लेस करना है और मुझे टॉपअप कब करना है और हमें नया पानी डालना है तो कब डालना है। तो जनरली इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक, इसे हम कहते हैं इन फेज और आउट फेज। इन फेज मतलब जब आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको पानी डालना है सिस्टम के अंदर तो आप सिर्फ टॉपअप करोगे, और अगर आउट फेज मतलब आपका हार्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपके पाइप्स कंप्लीटली एम्प्टी है या पार्शियली फिल्ड है, तो उस टाइम पे आप कंप्लीटली पानी डिस्कार्ड करके आप नया पानी सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि टॉपअप वाटर क्या होता है और कंप्लीट रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो टॉपअप वाटर में क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा 10,000 लीटर का टैंक है और हमें उसके अंदर 2000 लीटर पानी और ऐड करना है, तो अगर डायरेक्टली अगर मैं 2000 लीटर पानी अगर टैंक के अंदर ऐड कर दूंगा तो मेरा ईसी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी रॉ वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया है, तो जो भी फर्टिगेशन है या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स है वो सारे पानी में घुल जाएंगे और उसका ईसी ड्रॉप हो जाएगा। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, तो इस टाइम पे जो मेरे पास रेशियो है पर लीटर का, जो फर्टिगेशन प्रोग्राम का जो मेरा रेशियो है वही मैं यूज करूंगा 1000 लीटर वाटर के लिए, और उस हिसाब से मैं 1000 लीटर का पानी अपने प्लांट में ऐड कर दूंगा। तो इस प्रकार मैं टॉपअप करूंगा, तो जो भी फर्टिगेशन प्रोग्राम है फॉर 1000 लीटर उसको पहले 1000 लीटर पानी में ऐड किया, फिर ये पानी मैंने मिक्स कर दिया हमारा फर्टिगेशन वाटर में। तो ये हो गया टॉपअप मेथड। कंप्लीट चेंज कब करते हैं, जब आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आपके सारे प्लांट्स मार्केट में जा चुके हैं और आप नया बैच स्टार्ट करने वाले हो और अपने पाइप क्लीनिंग वगैरह वो काम आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो भी पानी है आप कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दोगे, उसमें नया पानी फिल करोगे, और नया जितना भी आप पानी फिल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 10,000 लीटर आप फिल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी फर्टिगेशन प्रोग्राम है आप उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये टाइम बाउंड नहीं है, ये साइकिल बाउंड है। आपको आपका पानी कब रिप्लेस करना है आपके साइकिल पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट का साइकिल बहुत ही छोटा हो सकता है, जैसे कि 20 से 25 दिन का फॉर एग्जाम्पल सैलरी, और कुछ प्लांट का जो प्लांटेशन सिस्टम है या फिर जो भी साइकिल है वो बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि बेसिल के लिए ये कभी कभी 4 महीने से 5 महीने तक का जाता है। तो बेस्ड ऑन योर क्रॉप, आपका जो भी क्रॉप है और उसका क्या साइकिल है उसके ऊपर आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आपको सिर्फ टॉपअप करना है या आपको पूरा पानी रिफिल करना है। तो ये था आंसर आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।